करण सिंह दलाल कल तक उन्होंने खुल के विरोध कांग्रेस का करा। वो तो कहता मैंने बीजेपी की खुली मदद करी है और बीजेपी का एहसान उतार रहा हूँ। जो व्यक्ति पार्टी में रह रहा हाईकमांड की परवाह नहीं कर रहा, हुड्डा साहब की भी उसने बड़ी तोहीन करी, इसका मतलब है दलाल साहब ये मानते हैं कि हुड्डा साहब का कद छोटा है, मेरा कद बड़ा है। हाई कमांड के को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि भाई ऐसे आदमी को वैसे तो पार्टी से निकाड़ दे, पर ना निकाड़े तो कम से कम टिकट पे तो उसकी भी विचार ही नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हैं पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी, दबंग नेताओं में ये जाने जाते हैं और पंचायती नेता हैं, और इन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे क्या हैं आज जानते हैं चौधरी साहब से। जी चौधरी साहब, घर साहब पहले धन्यवाद आप पधारे। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस से टिकट मांग रहा है मिलेगी, मैं भी मांग रहा हूँ, करण सिंह दलाल भी मांग रहे हैं। करण सिंह दलाल कल तक उन्होंने खुल के विरोध कांग्रेस का करा, हाई कमांड को भी उन्होंने मैंने सब कैसेट भेज दिए, आपको भी दे दूंगा। वो तो कहता मैंने बीजेपी की खुली मदद करी है और बीजेपी का एहसान उतार रहा हूँ मैं, उसका वीडियो में आप पे भी होगा। तो जो व्यक्ति पार्टी में रह रहा हाई कमांड की परवाह नहीं कर रहा, हुड्डा साहब की भी उसने बड़ी तोहीन करी। जब भी फरीदाबाद हुड्डा साहब लोकसभा क्षेत्र में आई, वो दलाल साहब करण सिंह दलाल किसी उनकी मीटिंग में नहीं गया, सभा में। एक और अच्छी बात दलाल साहब की देखो, अच्छी हैं, उन्होंने पलवल क्षेत्र में हुड्डा साहब को इस लायक ही नहीं समझा कि वो मैं अपने क्षेत्र में उसको बुला लूँ। पलवल क्षेत्र में उन्होंने चौधरी महेंद्र प्रताप को मना कर दिया कि यहाँ तो मैं ही हूँगा, हुड्डा साहब की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है दलाल साहब ये मानते हैं कि हुड्डा साहब का कद छोटा है, मेरा कद बड़ा है। हाई कमांड के को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि भाई ऐसे आदमी को वैसे तो पार्टी से निकाड़ दे, और ना निकाड़े तो कम से कम टिकट पे तो उसकी भी विचार ही नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना। अच्छा साहब, करण दलाल ने ना केवल अब महेंद्र प्रताप का विरोध किया था कांग्रेस में रहते हुए और कांग्रेस प्रत्याशी का लोकसभा चुनाव में विरोध किया था, इससे पहले भी अवतार सिंह भड़ाना कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका भी विरोध किया था और खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद की थी, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, 14 में उन्होंने अवतार सिंह भड़ाना का विरोध करा, बीजेपी के जो अब फिलहाल भी सांसद है 14 में भी जीते, किशन पाल गुर्जर की मदद करी, अब भी उन्होंने इस चुनाव में भी किशन पाल गुर्जर की मदद करी और चौधरी महेंद्र प्रताप का विरोध करा। चौधरी महेंद्र प्रताप ने भी एक पत्र लिखा है हाईकमान को कि इस आदमी को टिकट नहीं दिया जाए, ये आदमी इस लायक नहीं है कि इसको टिकट दिया जाए। चौधरी साहब, आपको जानकारी होगी पिछले दिनों करण दलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस पार्टी में रहने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी में डर लगता है। कह रहा होगा हमें तो, अगर हम कांग्रेस में, हमें तो ना कांग्रेस से डर लगे, पार्टी से किसको डरना, पार्टी तो समुद्र है, उसमें अच्छे लोग हैं ज़्यादा। अब एक दो लोग ऐसे खराब कर रहे हैं इसलिए डर, वो अपना क्या सोच के कह रहा है उसका भगवान जाने, लेकिन पार्टी है, हम भी पार्टी में पहले भी रहे, आज पहले हमारा परिवार कांग्रेस में ही था, कहीं कांग्रेस पार्टी से कोई डर लगेगा? क्यों लगेगा, हम कांग्रेस के सिपाही रहे हैं, आज भी सिपाही की तरह टिकट मांग रहे हैं। हम ये तो कहने आ रहे, वो तो कहता मेरी जेब में है टिकट, अब अगर जेब में ही है तो आम आदमी, आम कार्यकर्ता एक आदमी को छोड़ के कोई टिकट ही ना मांगे, ये भी हो ही रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस दलाल, दलाल इज कांग्रेस, मेरे आने से ये सारी चीज़ में बदलाव आएगा।
तो चल साहब जानना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को या ऐसे नेता को कांग्रेस पार्टी क्यों झेलना चाहती है जो कांग्रेस पार्टी का ही जो विरोध करता है हमेशा। ये तो आप कांग्रेस से पूछो, हुड्डा साहब से पूछो, या जो प्रधान है स्टेट के चौधरी उदयवान, उनसे पूछो कि इस आदमी को आप किस लिए रखे हुए। इसने 19 में विरोध किया, 24 में विरोध किया। जो आदमी विरोध कर रहा पार्टी का सगा नहीं है, उसे निकालते क्यों नहीं? मुझे तो निकाला भी नहीं बीजेपी ने। मैंने विरोध करा, मैंने खुद छोड़ दी। लोग कहते थे, एक दो लोगों ने कहा, चौधरी साहब आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो तो आप अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ देंगे, मैंने उसी दिन छोड़ दी। बात भी ठीक है उसकी, लेकिन कांग्रेस का क्या कर रहा है, जलाल साहब का क्या कर रहा है, ये जनता क्या कर रहा है? दुर्भाग्य है अगर पलवल की जनता अब भी यही सोच के, मान लो गलती से अगर दलाल साहब को टिकट मिलती है, फिर इसके डब्बा को भरना चाहेंगे, मुझे तो नहीं लगा। इसका मतलब है हमारी पलवल की जनता सोच समझ के फैसला ही लेगी और इस आदमी की विदाई करेगी अगर टिकट मिलती है तो। अच्छा चौधरी साहब, कांग्रेस पार्टी में दलाल की मौजूदगी का ये कारण तो नहीं है कि उनकी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में रिश्तेदारी है? ये भी सवाल आप दलाल साहब से पूछे, हुड्डा साहब से पूछे। हुड्डा साहब, मैं ये सवाल सुभाष चौधरी से कर रहा था, तो मैं तो ये कहूँगा आप हुड्डा साहब से पूछो, इस आदमी को रिश्तेदारी के कारण पलवल सीट को ख़राब ना करें। मेरे तो हुड्डा साहब से ये अपील। अच्छा चौधरी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दिन तक रहे, लगभग 5 साल से ज़्यादा रहे, तो अब आपकी भारतीय जनता पार्टी को आपने छोड़ दिया है, अब आपकी योजना क्या है आगे की? मेरी कोई योजना नहीं है। मैंने आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि हाई कमांड, कांग्रेस हाई कमांड, हुड्डा साहब, चौधरी उदयवान प्रधान जो अध्यक्ष है प्रदेश के, इन सबको ये विचार करना चाहिए। जो आदमी आप सबको बदतमीजी से बोल रहा है, कांग्रेस की खिलाफत कर रहा है, हाई कमांड के खिलाफ बोल रहा है, ऐसे आदमी की को टिकट किसी हाल में ना दी जाए, अन्यथा हमें कांग्रेस पार्टी को, मैं भी आज उसी में ही हूँ, हम सबको बहुत भारी नुकसान होगा। ये मैं अवगत करवाना चाह रहा हूँ हुड्डा साहब को भी, चौधरी उदयवान को भी और अपना हाई कमांड को। चौधरी साहब, कांग्रेस पार्टी से आप भी टिकट मांग रहे हैं, तो आपकी टिकट के लिए कितना विचार विमर्श हुआ है पार्टी के अंदर? देखो, मेरा काम मांगना है और पार्टी का काम देना। हाई कमांड पे मेरा विचार होना चाहिए, मुझे टिकट दे देगा। मुझे लगता नहीं कि, मेरा तो ऐसा लगता है कि ठीक चुनाव हो जाएगा, एक तरफा ही चुनाव रहेगा पलवल शहर में, क्योंकि मुझे लोगों का प्यार आशीर्वाद वोट है। देखो, वोट किन्हीं कारणों से कमियां बढ़ती हो सकती है, लेकिन अगर मैंने इस शहर में, इस ज़िले में, इस स्टेट में यहाँ नाम कमाया, उससे मुझे सारे जनता, सब समाज का आशीर्वाद प्यार हमेशा मेरा बना रहेगा। लोग अब गए, मुझे टिकट मिलती है तो बहुत आशीर्वाद प्यार देंगे, क्योंकि मेरा ये लास्ट चुनाव होगा। इसलिए भी लोगों का मन है बस सुभाष चौधरी को कांग्रेस की टिकट मिले और हम इसे विधायक बना। ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी, इंडियन नेशनल लोकदल से पूर्व में विधायक रहे हैं। तो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पलवल से ये कांग्रेस पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं, और इन्होंने हाईकमान को अपने या कांग्रेस का जो आला कमान है उनको अवगत कराया हुआ है, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो पलवल के जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे करण दलाल, वो भी इस समय कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए करण दलाल ने बार बार अपने पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया है, ऐसे में क्यों ना उनको पार्टी में निकाला जाए। तो इनका कहना है कि अगर मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलती है तो एक तरफा जीत मेरी होगी और लोगों का प्यार होगा और कांग्रेस पार्टी की एक सीट बढ़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए साथी कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।